सलाम नमस्ते अपने हरियाणा वाले भाइयों से, दिल से राम राम। अभी मैं आया हुआ हूँ भाई तहसील, तो नया साल मुबारक हो आपको भी मेरी तरफ से, और जो मुझे मुबारकबाद देना चाहते हो कमेंट कर दीजिएगा, सबसे अच्छा तरीका है, ठीक है। और नए साल पे गवर्नमेंट के कुछ नए रूल्स आए थे जिनकी वजह से हम थोड़ा होल्ड बैठे थे कि नए साल पे पता चल जाए सीन क्या है और क्या होगा, तो वो सब चीज़ें क्लियर करने के लिए आए हुए थे। तो जानते ना, जो जानता नाम लिख के भेजिएगा, ठीक है। तो अब कल से हम प्रोसेस कर रहे हैं स्टार्ट सारा का सारा, जो लोगों ने अप्लाई कर लिया है भाई वो एक एक बार अपने अपने टीम मेंबर को टैग कर लीजिएगा स्पेशली, ताकि उनका कोई काम पेंडिंग ना रह जाए। नेक्स्ट वीक या इस वीक के लास्ट में हम सभी को वीज़ा भेज चुके होंगे, और फिर हम आपको बताएंगे किस डेट की टिकट करनी है, उस डेट की टिकट हम भेज के आपको अप्लाई कराएंगे। और जो बन रहे अभी प्रोसेस में है उनका भी वेलकम है, और जो चाह रहे हैं कि जिनका कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा वो कॉन्टैक्ट कर ले मेरी टीम से, ताकि जल्दी से जल्दी हम इस सेकेंड वीक और थर्ड वीक में इस मंथ के अंदर जो हायरिंग करना चाह रहे हैं, बैच उतारना चाह रहे हैं, उन बैच में आपका नंबर पड़ जाए। और नए साल पर भाई इससे ज़्यादा क्या ऑफर दूँ कि विजिट एम्प्लॉयमेंट भी है, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी है। विजिट एम्प्लॉयमेंट में नियम है सिर्फ 10-20 हज़ार देना है, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट में जो यहाँ के देना है वो वहीं देना होता है जैसे, लेकिन एक साथ नहीं देना है, वो थोड़ा थोड़ा करके जैसे जैसे आपका प्रोसेस होगा ऐसे ऐसे देना होता है, ठीक है। तो अभी मैं थोड़ा खड़ा था तो सोचा सिगरेट पीते पीते आपसे बात कर लूँ और रिमाइंडर डाल दूँ, और फिर आगे की चीज़ में ऑफिस में बैठ के या फिर कहीं फुर्सत से अच्छे माहौल में बैठ के बनाएंगे, तो हमें याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, सलाम नमस्ते अपने हरियाणा वाले भाइयों से, दिल से राम राम। तो मैंने जैसे कि कहा था कि अपने पास एक बाइक की इन्वेस्टर भी है और 50 बाइकें लगाने वाले इन्वेस्टर भी हैं, और मेरे लिए वो एक बाइक लगाने वाला भी इम्पोर्टेंट है और 50 बाइक लगाने वाला भी, तो कोई छोटा बड़ा नहीं होता, हर बंदे ने अपने खून पसीने का पैसा लगाया होता है, और ऐसा नहीं है कि किसी ने 1 मिलियन लगा दिया तो भाई उसके पास उसकी मेहनत का पैसा है, और जिसने 1.5 लाख रुपए इंडियन लगा दिया तो उसके पास नंबर 2 का पैसा है। घर गिरवी रख के सभी काम होते हैं, घर की औरतों का गहने रख के भी सभी काम होते हैं, और जेब में पैसा सेविंग वाला भी रख के सारे काम होते हैं। मजबूरी हर बंदे के पास होती है, नहीं तो अगर मजबूरी ना हो तो घर से बाहर ही ना निकला जाए, ठीक है। तो मैं अपने एक इन्वेस्टर हैं, आ जाओ। तो ये अपना लड़का है, ठीक है, और इस मंथ की इनवॉइस होगी रिलीज। हाँ, रिलीज हो गया, क्योंकि ये यहाँ दुबई में है तो ये डायरेक्टली क्या करते हैं, दुबई में अपने ऑफिस में आके डायरेक्टली अपने इनवॉइस रिसीव कर लेते हैं। और आज थोड़ी सी एक स्टोरी है इनकी भी अपनी शेयर करेंगे, और मैं आपको बताता था बहुत सी वीडियो में कि बहुत से लड़के ऐसे हैं जो 1,000-1,200 दिरहम की सैलरीज पे काम करके भी उन्होंने अपने पास बाइकें लगाई होती हैं, और जो अपने माइंड के हिसाब से कर रहे होते हैं काम की भाई सैलरी पूरी हमारे घर चली जाए और यहाँ के रेंट से हमारे आगे खर्चे निकलते रहे। हाँ भाई, ठीक है, तुम्हारे साथ क्या सीन हुआ, कैसे कैसे क्या हुआ था? ऐसा मेरे साथ एक आदमी ने बोला था, वो नई नज़र ले तुम्हारा वीज़ा लगा, ये बोला बाद में वीज़ा लाने के बाद मेरे को लाइसेंस भी नहीं बनाया, मेरा 14,000 कर दिया। कहाँ से हो? नेपाल से। हाँ, नेपाल से। जो लोग ये कहते हैं ना कि भाई कि नेपाल से या फिर इंडिया से हम एजेंट के थ्रू आ जाएंगे, ये है वो है, हमें सेफ्टी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, ये भी सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ ही आए थे, और वीज़ा नहीं लगा। वीज़ा लगाया, वो पैसे खा के भाग गए, लाइसेंस नहीं निकाल के नहीं दिया। मार्केट में वो कह रहे हैं कि एकदम हवा सा फैल गया था, बाइक राइडिंग, बाइक डिलीवरी कंपनी, हर बहन जो 2 कोड़ी का बंदा तो उठाया गिरा, बहन जो दर बंदा बाइक डिलीवरी का लाइसेंस लेके बैठ गए और मार्केट में चलने के लिए तैयार हो गए, और लोगों को एकदम से हमारे जैसे यूट्यूबरों ने, मैं अपनी भी बात करूँगा, हमारे जैसे यूट्यूबरों ने मार्केट में हवा फैला दिया भाई, बाइक राइडिंग का काम है, जिसको देख के कुछ लोगों ने लाइसेंस भी लेना शुरू कर दिया, पता नहीं क्या सीन है। आरटीए रूल के हिसाब से अभी जो जो चीज़ें फेस करनी पड़ी लोग फंस गए उसमें। ये अपना इन्वेस्टर है भाई, और भले इसकी 2 बाइकें चल रही हों लेकिन आज भी हमारे साथ खड़ा है। अच्छा बुरा टाइम सभी के लाइफ में आता, हमारे टाइम में भी आया था, 2-3 महीने बिल्कुल क्रैश हो गई थी डिलीवरी कंपनी, लेकिन ये खड़ा रहा आज भी हमारे साथ। आज ये ऑफिस आया, हमने जब पेमेंट दी, इनवॉइस रिलीज़ की, और मैं आज इस मंथ है ना हर इन्वेस्टर को अपने हाथों से पेमेंट रिलीज कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी तो देखूँ ना कौन हमारे साथ खड़ा था, कौन रह गया और कौन भाग गया। और अभी मैं जब इसकी स्टोरी सुनी तो शायद मैं कल परसों के 2-3 दिन के अंदर इसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन करूँगा उस चीज़ में भी, क्योंकि कहते हैं ना कि जब बुरे टाइम में लोग अपने साथ हो तो उनके बुरे टाइम में हमें उनके साथ होना चाहिए।
अच्छे टाइम में चारों तरफ आपके पब्लिक होगी, लेकिन बुरे टाइम में कुछ लोग होते हैं, तो उनके बुरे टाइम में अपने को भी खड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ है, और आज पेमेंट रिलीज होगी और संभाल के उसको यूज़ करना। ओके, उसने क्या बोला विशा लगाया, उस बात हम लोग ने उसने क्या बोला, तुम्हारा इसमें पैसा आएगा ये महीने में, हम लोग को क्रेडिट कार्ड बोल के पता भी नहीं था, उसने बोला हम लोग ने उसने बोला खाली सर ने बोला, उसने बोला तुम्हारा सैलरी इसमें आएगा दो दिन के बाद तुम्हारा, तो तुम्हारे नाम से क्रेडिट कार्ड हाँ वो, लेकिन हम लोग को पता ही नहीं था। तो क्या हो रहा है मेरे भाई आजकल, जो ये छोटे मोटी लाइसेंस वाली कंपनियां ओपन करके बैठ गए हैं, हमारा क्या कर रहे हैं, विजा लगा के इंडिया सेल्स मैन के वीजा पे बाइक राइडिंग कर ही नहीं सकते, वो है ना उसने हमने किया। जिनके डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं थे और जिन्होंने लाइसेंस तो ले लिए और फिर ये प्रॉब्लम्स आई, तो कंपनियों के पास जो थोड़ा बहुत बचा था या जो बंदों को उन्होंने हायर किया था, अभी उनके नाम से क्रेडिट कार्ड लोन उठा के, क्योंकि देखिए ये आए हैं, सिंपल सी बात है यार, अपने दूसरे शहर में भी आप जाओगे तो आपको पता नहीं होता कि गली कहाँ है, तो इनको भी यहाँ पता नहीं होता कि कहाँ क्या रूल चलने हैं, कहाँ पे साइन करने हैं कहाँ पे नहीं। कोई सा भी पेपर उठा के दे दिया, फला 8-10 पेज का बंदा पढ़ने बैठे तो कब तक बैठे, ठीक है। उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है, क्रेडिट कार्ड उठा लिए गए इनके नाम से, ये चीज़ें चल रही हैं। तो भाई पहले तो आप जिस भी डिलीवरी के लिए अगर आप आ रहे हैं, पहले तो ये चेक किया करें कि कंपनी कितनी पुरानी है, उसके पास डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट हैं भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि 4 महीने पुरानी कंपनी है, 5 महीने पुरानी कंपनी उठाए और आपने उठा के चले गए, देखा जी सस्ता पैकेज है, चलो सस्ते पैकेज के चक्कर में फंस गए। आजकल ये चीज़ चल रही है कि जो ये 4,000, 5,000, 6,000 में वीजा लाइसेंस बांट रहे हैं, तो भाई उनका मतलब है कि यार 8,000 में 9,000 में कहाँ वीजा लाइसेंस मिलता है, मुझे भी बताएं जरा, मैं भी जाके अपने बाइक राइडरों के वीजा और लाइसेंस लगवा लूँ। अभी जो चीज़ चल रही है, ये चीज़ें चल रही है कि ना, जो कंपनियां हैं जो जिनका हाथ में आज अब हाथ पल्ले कुछ नहीं रहा है, बस वो पैसा इकट्ठा कर रही हैं, लोगों के साथ करियर के साथ खेल रही हैं, अभी इनका नाम क्रेडिट कार्ड उठा लिए हैं, इधर से बैंकों के भी केस होंगे इनके ऊपर, इधर से वहाँ फंसेंगे। बैंक को तो मतलब नहीं है ना कि भाई तुम्हारा पैसा किसी ने और ने खा लिया, बैंक को तो ये पता भाई तुमने क्रेडिट कार्ड ले लिए, क्रेडिट कार्ड बैंक को सिर्फ मतलब है कि भाई तुम्हें हमने क्रेडिट कार्ड दिए तुम्हारे नाम से, इसलिए तो वो पैसा कोई खाए चाहे ना खाए, हमें तो तुमसे लेना। तो ये चीज़ें प्रॉब्लम फेस करनी है। अभी मैं इस वीडियो को यहाँ होल्ड करता हूँ, रूम में बैठ के अपने कैबिन में बैठ के आपको पूरी डिटेल के साथ बताऊँगा कि क्या चीज़ चल रही है मार्केट में, किन चीज़ों से बचना है और क्या हो सकता है, ठीक है। ठीक है, मैं याद रखिएगा, वीडियो को पूरी करते हैं अपने बैठ के, और अपना ख्याल रखिएगा, कोई जरूरत पड़े हेल्प की मुझे बताइएगा। हाँ भाई, लॉन्डी का काम है भेजा था तुम्हें जी, तुम्हें अभी भी कम से कम 2-2.5 घंटे मुझे भी देखते हो गए, पूरी टीम समझा रही है तुम्हें, तुम्हारे एजेंट से लेके पूरा ऑफिस का स्टाफ भी हर चीज़, ठीक है। तुम्हारी जो डन हुई थी वो सैलरी जो डन हुई थी 800 दिरहम हुई थी, फर्स्ट मंथ 700 मिलनी थी, रहना खाना सब कंपनी की तरफ से था, नेक्स्ट मंथ जब वीज़ा लग जाता तो 800 दिरहम थी, प्लस टिप थी। तुम एग्री हुए, गए, फिर वापस आ गए। वो दुकान किसी उसके ओनर ने किसी दूसरे को सेल कर दी थी पूरे स्टाफ के साथ। प्रॉब्लम क्या थी कि भाई तुमने सोचा कि भाई दुकान बंद होगी, दुकान बंद नहीं है, आज भी तुम्हें काम पर ज्वाइनिंग के लिए वो बुला रहे हैं, तुम खुद नहीं जाना चाह रहे। कहाँ से हो तुम? शामली से। शामली के तो इतने नालायक नहीं होते, यूपी साइड है ना शामली। हाँ ठीक है, खेती बाड़ी है तेरा? खेती बाड़ी पैसा किसका लगा के आया था? तेरा लगा था, तेरे पापा का लगा था? हाँ, जब भी तो तू काम नहीं कर रहा। तो भाई आगे से है ना, ये वीडियो अगर भगवान ना करे कि ऐसा फ्यूचर में कभी सामने आए, अगर आती है तो ध्यान रखे कि भाई अपने बाप का पैसे की अहमियत रखा करो, कि वो बहुत मेहनत से पैसा कमाया जाता है, या फिर इस लायक हो जाओ कि पहले अपने स्टेट छोड़ के दूसरे स्टेट में काम करो, जब वहाँ कर सको, लग सके कि फैमिली से दूर रह सकते, तब यहाँ आया करो, क्योंकि इस चीज़ से तुम भी खराब होते हो, तुम्हारे बाप का पैसा भी खराब होता है, और तुम्हारी वजह से कंपनी का और जो बंदे बीच में तुम्हारा काम करा रहे थे उनका भी नाम खराब हो रहा होता है, ठीक है। गलती किसकी है? हमारी, अपनी गलती, जोर का बोलना कि गलती किसकी है। अभी वापस जाना है नहीं जाना? हम तुम्हें आज भी समझा रहे हैं कि भाई काम कर ले, लेकिन तुम क्या कह रहे हो कि मुझे वापस जाना है, मुझे अपने घर जाना है, ठीक है। तुम जा सकते हो, हमारी तरफ से कल की डेट में तुम किसी पे ब्लेम नहीं करोगे, ठीक है। जो पेमेंट थी तुम्हारी, तुम्हारे सामने उस आगे एजेंट को दी थी, वो पैसा डूब चुका है, क्योंकि वो बंदा आज भी कह रहा है वो वापस भेज दो, पैसा रिफंड नहीं होगा। वीज़ा भी लगाने के लिए उसको डन कर रहा है हर चीज़, हम तुम्हें 2-2.5 घंटे से यही समझा रहे हैं, अभी तुम ओके करके बाहर गए, फिर वापस आके मना कर दी, तो अब हम भी रिस्क नहीं ले सकते कि तुम्हें भेज दें, वहाँ हमारा भी नाम खराब हो, बाद में वो हमारे कोई दूसरे लड़के भी ना ले, ठीक है। अब हमारी तरफ से केस क्लोज है, आज के बाद तुम्हारा किसी भी चीज़ में लेना देना नहीं होगा जी, नहीं बताओ अपने मुँह से, आज के बाद कोई भी चीज़ को तुम जिम्मेदारी नहीं दोगे कि हाँ भाई तुम्हारी वजह से हमें ब्लेम करो कभी, ठीक है।